सिंदूर रिवाज में होगा बड़ा ड्रामा, क्या अनिरुद्ध बता देगा घर वालों को सच्चाई। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली, मैं हूं रजनी दुबे। टीवी सीरियल झनक में इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ झनक के सिंदूर रिवाज की तैयारी चल रही है, तो वहीं अप्पू कुछ ऐसी बात बोल देती है जिसके बाद अर्शी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। झनक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि उसका सिंदूर रिवाज हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि घर वालों के सामने उसकी शादी की सच्चाई आए। दो झनक लो पलक ग्लास टॉले और पेन कर दी उसने शिफ्ट कि अभी बंद करो। अच्छा दर्द हुआ? पंडित जी आए हुए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और देखा शिफ्ट हाथ पे पुश, हमें टॉले नहीं चाहिए। वैसे बात की ना तुमने अपने पति परमेश्वर से? कब तक मुंह झुकाकर बैठोगी जनक? कभी ना कभी तो बात करनी होगी ना तुम्हें। I'm so excited. Finally, हम जनक के हस्बैंड को मिलेंगे। एक थ्रिलर मूवी जैसा सीन नहीं लग रहा है। कैसा होगा, कौन होगा, एटलीस्ट है तो से। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हें भी कोई मिल जाएगा। अभी नहीं मिली, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और जब तक वीडियो कॉल नहीं होता हमें क्या पता ना। क्यों जनक, तुमने बात की ना उससे? आएगा ना वो वीडियो कॉल पर? क्या हुआ जनक, सब कुछ पूछ रहे तुमसे, किसी एक का तो जवाब दे दो। बात नहीं, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं बता। वैसे तुमने सुबह सुबह भागने का प्लान क्यों बनाया था? हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे यहाँ रहने का मन नहीं है। ओहो जनक, मन कैसे लगेगा हस्बैंड से इतनी दूर जो हो। वैसे तुम अनी के साथ यहाँ आई ही क्यों? हाँ और तुम्हारा पति कैसा आदमी है जो अकेले तुम्हें इतना दूर जाने दिया उसने? या तो तुम और तुम्हारा पति दोनों कश्मीर में रह जाते या दोनों साथ यहाँ आ जाते। तुम दोनों ने अनी का इतना एहसान लिया। अरे मुझे कह देती, आई एम योर कजन आफ्टर ऑल, मैं कुछ सोल्यूशन निकालती। सोचो झनक, ये सारे तमाशे की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम पहले ही सब कुछ सच बता देती। जरूरत तो भी नहीं पड़ेगी ना अर्शी दीदी, अगर मैं चली जाऊं। देखिए आप लोग सब यहाँ अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आप में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, प्लीज जाने दीजिए। अगर तुम सुबह चोरी चुप के भाग जाती ना झनक, तो सबका शक डबल हो जाता कि तुम कुछ छुपा रही हो। मुझे तो अभी भी शक है, क्या पता इसकी शादी की पूरी कहानी एक झूठ हो। कुछ तो ऐसा है झनक जो तुम हम सबसे छुपा रही हो, इसीलिए भाग रही थी ना? जनक कुछ नहीं कहती, रुक जाओ रूमी, कुछ नहीं कहती, इसलिए भाग रही थी ना यहाँ से। छोड़ो बॉडी, थोड़ी देर में तो सब क्लियर हो ही जाएगा ना। अरे बट कंफर्म तो कर ले बात हुई भी कि नहीं। कल को अगर सबके बीच में इसने कह दिया कि नेटवर्क प्रॉब्लम था और फोन नहीं लगा फिर। हमें नंबर दे दो। अब देखो जनक ऐसा है तो तुम अभी हमें नंबर दे दो। कैसे नंबर दूँ, किसका नंबर दूँ, जब मुझे खुद नहीं पता किससे बात होने वाली है। सोचा था राहुल से बात करवाऊंगी, लेकिन इतने कंफ्यूजन में राहुल को इन्वॉल्व करना भी सही नहीं होगा। अगला कुछ तो करना ही होगा। क्या हुआ, क्या हुआ झनक, सुनाई दे रहा है ना? जी जी मैं सब सुन रही हूँ। विपाशा झनक क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे पंडित जी आ गए, नीचे बुला रहे हैं, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वाह अरे कितनी सुंदर दिख रही है तुम। हाँ देखो तुम्हें मैं प्यार प्यार कर देती हूँ और दादी की तरह नजर भी उतार देती हूँ। अपो बस करो, तैयार कर रहे हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी माँ बाबा के इस हॉल में जगह कितनी कम है, तुम भीड़ मत बढ़ाओ, जाओ यहाँ से, प्यार बाद में जताना। क्यों विपाशा चंदन नहीं लगाया? थम्मी इसे चंदन लगाना पड़ेगा और नहीं तो क्या। अरे मंत्र के साथ नारायण के सामने सिंदूर दान की विधि, तो चंदन तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसके यहाँ कैसे होता है हमें क्या मालूम, लेकिन हमारे यहाँ सिंदूर दान हो रहा है तो हमारे तरीके से होगा। अर्शी बेटा जल्दी से चंदन लगाओ। हाँ मैम लगा। हाँ ये क्या, सब खाली गला कान सब सूना है, गहने नहीं है बेटा तुम्हारे पास? हाँ
हम गरीब घर की लड़की के पास क्या ही गहने होंगे। रूमी मीमी, तुम लोग के पास इमिटेशन ज्वेलरी है ना बेटा, जाओ लेकर आओ, पहनाओ इसे। जी ठम्मी, और हमारे पास तो बहुत सारी। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है प्लीज। क्यों, जरूरत क्यों नहीं है? फोटोज खींचेंगे ना, और मेमोरीज के साथ साथ हमारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए कि तुम मैरिड हो। अभी तो दादा तुम्हें घर ले आए हैं, इसलिए इंक्वायरी वगैरह सब ये सब नहीं हुआ। वरना हम घर पे जब स्टाफ रखते हैं ना, पुलिस वेरिफिकेशन करके ही रखते हैं। अरे बेटा, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाओ जल्दी ज्वेलरी लेकर आओ। हाँ झनक, तुम कोई डायमंड या गोल्ड ज्वेलरी तो नहीं एक्सपेक्ट करनी कर रही ना? हाँ नहीं अर्शी दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाना है, बस वो ही मेरे दिमाग में है। बेटा जिस दिन आई थी उस दिन तो ठीक थी, अब आज सुबह से जाने की रट क्यों लगा रखी है? सब ठीक है ना? क्या वजह है, पति नहीं है तुम्हारा? अरे कहीं तुम हम सबसे झूठ तो नहीं बोल रही हो झनक? झनक रहना कभी झूठ नहीं बोलती, ये नहीं सिखाया मेरी माँ ने मुझे। अच्छा तो फिर ये बता दो कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। अर्शी दीदी क्या करेंगे आप जान के, हम मामूली लोग हैं और आपके लेवल के नहीं है कि... देखो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारा पति है और सबके सामने मंत्र पढ़ेगा। अच्छा बाय द वे, सृष्टि आंटी आएंगी ना? आप पता नहीं, देखते हैं। वैसे मॉम काफी बिजी हैं, अगर फ्री हुई तो आ जाएं। टेंशन नहीं, वो भी आ गई तो पंगा। एंड यू नो व्हाट, मॉम ने कहा कि गिफ्ट जरूर ले जाना। नहीं मैं गिफ्ट नहीं लेना चाहती हूँ। तुम्हें खुश करने के लिए नहीं दे रहे, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तुम और मैं रिलेटेड है ना छना, और वैसे भी तुम मेरे ससुराल में रह रही हो, हम खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे। चलो बेटा जल्दी करो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, मंडप ज्यादा देर खाली नहीं रहना चाहिए, अब शगुन होता है। जी जल्दी करो। मीमी बस आती होगी, पुरानी ढोली छाटने में टाइम भी तो लगता है। मीमी आ गए, ये लो, यही मिला बस। हाँ ये लो, पहनाओ पहनाओ जल्दी जल्दी। मैं हेल्प करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ। आराम से जल्दी करो। पकड़ो ना, काश ये हमारे घर की होने वाली बहू होती। काश ये हमारे घर की बहू होती है ना, कितनी सुंदर। अबू मुंह बंद रखो अपना और जाओ यहाँ से। क्यों, हमेशा मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ यहाँ से, मुझे झनक के साथ रहना है। चलो नीचे लेके चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। वह शो का अपकमिंग ट्रेंड देखने में काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला होगा, क्योंकि झनक की शादी की सच्चाई क्या अनिरुद्ध अपने घर वालों को बता देगा, उसके बाद अर्शी का क्या होगा रिएक्शन, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।